लगता क्या ही प्रॉब्लम हो गया पता नहीं, पर बीच बीच में ही बंद पड़ जाते, चालू चालू अड़ में बंद पड़ जाते। तो अभी जाते लेने के लिए। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज है 4th में, और आज मैंने व्लॉग इस वजह से स्टार्ट किया है क्योंकि आज कुछ ना कुछ तो करेंगे, क्योंकि आज मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि आज कुछ ना कुछ करेंगे ना नियन। और नियन भी रेडी हो चुका हूँ, मैं भी रेडी हो चुका हूँ, हम दोनों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। अभी हम लोग जा रहे हैं दुकान में, ग्रोसरी शॉप में, वहाँ से हमें एग्स लाने हैं क्योंकि डाइटिंग भी चल रही है तो उसकी वजह से एग लगेंगे। तो जाते पहले दुकान में, नियन तेरा कोम कर ले बाल, क्योंकि तू ऐसे लग रहा है कि नहाया नहीं है। हाँ, कोम कर ले। अच्छा, मेरा प्लान था कि मैं द्रोणागिरी में शॉप में जाऊँ एग्स लेने को, पर मेरा प्लान चेंज हो गया तो मैं अभी जा रहा हूँ उरन में, और वहाँ से लूँगा आज के लिए डाइट का पूरा सामान जो मुझे लेना है, ओट्स वगैरह वगैरह सब रह गया है तो मैं लेने जा रहा हूँ। तो वैसे भी बहुत धूप हो रही है, तो अभी सीधा उरन में मिलते हैं। चलो, और उरन की हालत भी देखनी है कि कुछ अलग हुआ है या नहीं हो, क्योंकि आज 4th में है और जिसको पता है उसको पता है आज क्या होने वाला है। और गाइस, उरन की जो मस्जिद है उसके बाहर इतने सारे पुलिस के वैन लगे कि पूछो ही मत, और पूरी शांति बनाई रखी है वहाँ पर, वैसी चाहिए। आपको पता नहीं है, जिसको भी वो न्यूज़ देख लो, पता चल जाएगा। मैं जस्ट अपडेट लेने के लिए आया था कि सच में हुआ है या नहीं हुआ है, पर मुझे लग रहा है कि हुआ है थोड़ा थोड़ा इफेक्ट। अच्छी बात है, चलो अभी जाते हैं सीधा घर पे, मैंने शॉपिंग को कर लिए। फ्रूटी में कोका कोला की छोटी बोतल। कोका कोला मान की बोतल की जान की हाथ में की जान। आलू ले लो, आलू ले लो। तो गाइस, जिसको भी पता नहीं है कि 4th मई को क्या होने वाला था, तो वो जाके न्यूज़ देख लो। और इसी वजह से मैं आज उरन में थोड़ा राउंड मारने के लिए गया था, जिससे कि हमें पता चल सके अपडेट क्या है। मुझे तो लगा लो आज हो जाएगी फाइटिंग, पर आई गेस सब लोग शांत है, वैसे ही रहना चाहिए सबको। तो अभी दादा गेम खेल रहा है, देखा था वो कौन सा गेम खेल रहा है। ये गेम, इसका नाम है शैडो फाइट 2, इस गेम का नाम है। ये आपको लेने चाहिए, इसमें बहुत ही मजा आती है। तो अभी बज रहे 12:30, और जाके पहले लंच कर लेते, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। और नियन का ओपन डे था तो नियन पास हो गया है, और फर्स्ट स्टैंडर्ड से अभी वो चला गया 2nd स्टैंडर्ड में। उसको तो पहले तो हम लोग ने बहुत डराया, बोले कि तू फेल हो गया है 1st स्टैंडर्ड में ही, अभी ये अभी पास हो गया है, 2nd स्टैंडर्ड में चला गया है। तो उसका कल से ट्यूशन भी चालू हो गया, तो अभी ट्यूशन भी तो छुट्टी भी लग गई पर ट्यूशन चालू हो गया इसका। तो अभी बाहर जाने को नहीं मिलता 5-7 बजे तक, क्योंकि इसका क्लास रहता है। और कितना खुश है देखो। तो वैसे अभी लंच हो गया है, और लंच के लिए बनाया था चिकन बिरयानी जो कि बहुत अच्छी थी, मम्मी ने बनाई थी। तो अभी पूरे दोपहर भर बस मूवीज़ देखना है और कुछ काम नहीं है। मैंने अभी टैब ले लिया है और अभी मूवी देख रहा हूँ। नियन भी यहाँ पर टिकटॉक देख रहा है, और अभी वैसे भी बज रहे 3। तो वैसे अभी मुझे कॉल आया था पापा का, तो पापा बोल रहे गाड़ी बंद पड़ गई है बोकरविड़ा में, तो पापा को लेने को जा रहा हूँ। और अप्रैल का क्या ही प्रॉब्लम हो गया पता नहीं, पर बीच बीच में ही बंद पड़ जाते, चालू चालू अड़ में बंद पड़ जाते। तो अभी जाते लेने के लिए और पापा को लेके आते, और देखते हैं अप्रैल का क्या हाल हुआ है। अभी तो गिर ही जाते हैं। पापा को डर।
रे, पता भी नहीं। गाड़ी तो यहाँ पर पार्क कर दिए, तो पप्पा आगे चले गए, ये पकड़ने हैं वो अभी पाप उधर है, पप्पा तो लेके आते पकड़े से। अरे मेरे पापा, ये देखो दादा भी गाड़ी चालू कर रहा है, देखो कैसा करते हैं दादा चालू करी। और अभी दादा चालू करेगा गाड़ी। ओ भाई हेलमेट गिर जाएगा। वो ट्राई मारी है पर चालू नहीं हो रही, तो अभी टोचन मार के लेके जाते हैं गाड़ी। चलो चला। भाई ये टोचन मारते ऐसे है टोचन, कभी भी उसकी हेल्प करने के लिए यार बड़ लॉस है। हम लोग नज़दीक के गैराज में आ गए, यहाँ पर देखा रहे उसको कि क्या हो गया है गाड़ी को। तो टोचन मार के आने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है गाड़ी, क्योंकि पापा एक तो इतने हैवी, ऊपर से एक पैर से टोचन मारो। तो इस गाड़ी तो चालू हो गई है, ज़्यादा उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं था, स्पार्क प्लग का थोड़ा वायर निकल गई थी। चलो अभी जाते हैं घर पे। तो गाइस अभी अप्रैल ठीक हो गई और अभी निकलते हैं घर पे। दो गाड़ी मेरे पास उधर की, गाड़ी हो गई अभी ठीक, पूरा पसीना से भीग गया हूँ मैं। और नियन भी देखो पूरा कलर ही चेंज हो गया है, और वो भी 4 बज गया अभी, तभी भी धूप बहुत गंदी वाली धूप है। चलो अभी फटाफट से घर पे जाके वर्कआउट करना है और नियन को भी क्लास में छोड़ना है। हाँ नियन भाई, अभी मैं जा रहा हूँ क्लास में। नियन को मैंने अभी छोड़ दिया, अब जाता हूँ घर पे, बहुत काम ही घर पे, मुझे वर्कआउट भी करना है। और आज बहुत टाइम हो गया, ये देखो 5 बज गए, वैसे तो मैं 4 बजे चालू कर देता हूँ पर आज 5 बज गए। तो गाइस अभी मेरा जस्ट वर्कआउट हो गया और मैं फ्रेश भी हो गया हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है ये टाइम पे फ्रेश होके, बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि इतनी गर्मी थी बाहर, और फ्रेश होके ऑसम ही लग रहा है। तो बाहर अभी एक नंबर वेदर हुआ है, ऐसे लग रहे हैं ना स्विमिंग पूल है ना नीचे, उसमें जाके डुबकी मार दो, ठंडा ठंडा पानी होगा शायद से। पर मैं स्विमिंग पूल में जाता नहीं क्योंकि बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि जैसे आप देख सकते हो कि ये सामने की पूरी बिल्डिंग की जो विंडोज़ है उसकी नज़र वो स्विमिंग पूल पे ही रहती है, तो जा ही नहीं सकते, इसीलिए मैं नहीं जाता। उससे अच्छा है कि कहाँ प्राइवेट स्विमिंग पूल रहेगा ना, नहीं तो रिसोर्ट विसॉर्ट उसमें जाके तैरने का मजा कुछ और है। तो वैस अभी मैं जस्ट ब्रेकफास्ट करने को गया था, पर मैंने क्या देखा आपको बताया, मैंने देखा कि पापा और मम्मी मेरी वीडियो देख रहे, और उस पर देखो अभी बहुत कॉम्प्लीमेंट आएगी मुझे, रुको मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आएंगे मम्मी पापा की तरफ से, तो आ ही गए फाइनली। और मम्मी तो बोल रही है कि व्लॉग बनाए मत क्योंकि चल रही नहीं है, बोलते कि उससे अच्छा बंद ही कर लें। पर मैंने आपके लिए व्लॉग नहीं चालू किया है, मैंने पब्लिक को दिखाने के लिए व्लॉग नहीं चालू किया है, मैंने मेरे मोमेंट्स कैप्चर करने के लिए व्लॉग चालू किया है कि मुझे याद रहे कि मैंने इस दिन क्या किया था, वो बस मुझे दिखाना है। मेरी फैमिली की मोमेंट्स जो मैं कैप्चर करता हूँ वो मुझे दिखाना है। तो दैट्स इट। ये चिड़िया क्यों
इस चिड़िया क्यों डिस्टर्ब कर रही है मुझे? तो ये अभी बज रही 7 और मैं जा रहा हूँ नियन को लेने को, उसको लेके आता हूँ घर पे। और अभी शाम हो गई है टोटली। और गाइज आप भी मुझे बताओ कि मैं डेली ब्लॉग चालू रखूँ या ना रखूँ। अगर मुझे कमेंट करके बोलते हो कि डेली ब्लॉग चालू रखो तो मैं डेली ब्लॉग चालू रखूँगा, नहीं तो कभी घूमने जाऊँगा तभी का ब्लॉग दे दूँगा, ट्रैवलिंग ब्लॉग जिसे बोलते, डेली ब्लॉग ही डाल सकूँगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए प्लीज़, तो मुझे समझिएगा। तो चलो मैं नियन से पूछता हूँ कि मैं डेली ब्लॉग चालू रखूँ या सिर्फ कभी घूमने जाऊँगा तभी ब्लॉग अपलोड करूँ। नियन बता क्या करूँ? नियन को मैंने कन्फ्यूज़ कर दिया है, वो अभी बहुत सोच रहा होगा कि क्या बोलूं। पूरा दिन इगन है, पूरा दिन बनाते मतलब डेली ब्लॉग्स। हाँ, डेली की जब ट्रैवलिंग के लिए जाएंगे तो भी नहीं डेली डेली बनाओ। ओके तो चलो नियन ने बोल दिया डेली ब्लॉग्स, तो अभी डेली ब्लॉग्स ही रखेंगे और कंटेंट अपने आप ही आ जाएगा। तो वैसे पापा तो गए नहीं मार्केट में, तो मुझे जाना पड़ा। और ये जो मैंने कपड़े लिए सब मतलब जो सामान है जो मुझे मेरे फ्रेंड को देने का है तो उसको भी दे देंगे। और मैं नियान और दादा बाहर खड़ा है, मतलब अभी वो ऑफिस से आया है तो उसको भी पिकअप कर दें और उड़न लेके जाते हैं। अभी तीनों जन जाएंगे, लेट्स गो। तो वैसे यहाँ पर बैंक का ट्रैफिक हो गए और अभी हम लोग अटक गए, तो रुकते हैं थोड़ी देर और निकलते हैं। तो वैसे अभी मैं घर पे आ गया और घर पे आते समय मैंने बहुत स्टॉक लाया, मेरे एडिटिंग के लिए स्टॉक वेफर्स जो मुझे बहुत लगते हैं रोज रात को खाने के लिए, बहुत वेफर लाए मैंने। तो अभी मैं कर लेता हूँ डिनर और देखते डिनर के लिए क्या बनाए, मतलब चिकन ही बनाया क्या बनाए, मतलब मैं ही लेके आया था चिकन। तो गाइस अभी बज रहे 12, मतलब 12 बजने को अभी भी 20 मिनट्स है। तो अभी मैं ब्लॉग को यहाँ पर एंड करता हूँ और होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आज की वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने आज क्या क्या देखा और क्या क्या किया। तो आज बहुत इंटरेस्टिंग डे था, थोड़ा फन हुआ, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि गाड़ी बंद पड़ गई थी आपको पता ही। तो वैसे मेरा पूरा दिन चला गया और अभी मैं एडिटिंग कर ही रहा था तो मेरी 50% एडिटिंग कंप्लीट हो गई। तो मेरे मुझे लगता है 12:30 तक मेरी 100% वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून।